अजीजा ने ग्रामी आगे फिर फरमाते हैं वो मन आरदान जिक्री, जो मेरे पैगाम से मेरी नसीहत से रूगर्दानी करेगा, मुंह मोड़ेगा, उसे पसे पुष्ट डाल देगा, मेरे इस कुरान की बेकदरी करेगा, इससे जो मुंह मोड़ेगा मैं उसके साथ क्या सलूक करूंगा। فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, उसका जीना इस दुनिया में जीना तंगी का जीना होगा। फिर हमारे पंजाबी के टुकड़ रख गए, फिर आप पीछे हैंड टू माउथ, सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल बैल की तरह से काम कर रहा है, लेकिन अपना पेट भरता है ना, बच्चों का पेट भरता है ना, रिश्तेदारों की ना वालदेन की, किसी के हुकूक नहीं पूरे कर सकता। इसको कहते हैं माई शतन बंका, तंगी का जीना, हर वक्त टेंशन, हर वक्त परेशानी, कल क्या होगा, फला काम करना है, बेटी की शादी करनी है, फला जगह कर्ज लिया हुआ है उसको अदा करना है, वो फला जगह हमने बयाना दिया हुआ है, वो दो लाख रुपए वो जाये होते हैं, पैसे कहां से लाएंगे पूरी पेमेंट के, एक अजाब की जिंदगी, मुसलसल टेंशन और गुजारा नहीं हो रहा। फरमाते हैं कि अगर मेरे पैगाम से, मेरी नसीहत से, मेरे दिए हुए रास्ते से मुंह मोड़ोगे तो इस दुनिया में तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। और अजीजा ने गरामी, मैं आपसे सच कहता हूं कि हमारा जीना इस दुनिया में इसलिए हराम है कि हम कुरान पे इतना अमल भी नहीं करते जितना ईसाई और यहूदी करते हैं। माफी चाहता हूं आप लोगों से, मेरी बात को बुरा ना मनाइएगा, हम इस किताब पे, अल्लाह के इस पैगाम पे इतना अमल भी नहीं करते जितना के ईसाई और यहूदी करते हैं। आप अगर ना माने तो मैं एक मिसाल में अभी आपको समझा देता हूं, खुदा ना करे, खुदा ना करे। इससे पहले एक बात समझ लें कि इस कलाम का जो असल मंशा है वो हम में सिद्क और अमानत पैदा करना है, सिद्क और अमानत पैदा करना। नबी सादिक होता है, अमीन होता है, उसकी पूरी जिंदगी सिद्क और अमानत का अक्स होती। खुदा न करे आज हमारे किसी बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो जाए, वो अस्पताल में दाखिल हो, उसको लाइफ सेविंग ड्रग पे डॉक्टर डाल दे कि साहब ये लाइफ सेविंग ड्रग है, हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक है, जाओ बाजार से भी लेके आओ वरना तुम्हारे बाबा की जिंदगी खतरे में है। अब हम भागे भागे आए बाजार में हांफते कांपते हुए दुकानदार के पास कि मेरे भाई जल्दी से ये दवाई दे दे, तो वो दवाई निकाल के दे देता है, क्यों कहेगा बाबू जी एक दवाई तो ये है, ये फलां हाजी साहब की कंपनी की है, और एक दवाई ये है, ये फलां यहूदी की कंपनी की है, अमेरिका से आई है। आपको अपने बाबा की जान बचानी है, झूठ नहीं बोलना, सच सच बताएं किसकी दवाई खरीदेंगे आप, यहूदी की दवाई खरीदेंगे, इसलिए कि आपको पता है कि हमारे हाजी साहब के मुकाबले में सिद्क अमानत में वो यहूदी ज्यादा है। सिद्क अमानत में वो दवाई जो है गलत नहीं बनाएगा, उसकी दवाई से मेरे बाबा की जान बच जाएगी, लेकिन हमारे घर के जो मुसलमान भाई ने, मोमिन भाई ने जो दवाई बनाई है वो हो सकता है कि नंबर दो हो और ज्यादा चांसेस इसी के हैं, तो मैं यार 200 रुपए ज्यादा दे देता हूं लेकिन मैं वही दवाई खरीद लेता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे सच सच बताएं कि इस कुरान पे इकरार करना, दावे करना, इसको आप छोड़ दें कि इकरार कौन करता है, दावे कौन करता है, नाते कौन ज्यादा लिखता है, कवालियां कौन ज्यादा कहता है, वजद और हाल किसको ज्यादा है, इसको ज्यादा थोड़ी देर के लिए एक तरफ हटा दें, दावे और इकरार के पहलू को एक तरफ हटाएं, अमलन मुझे यह बताएं कि अमली तौर पे इस कुरान पे ज्यादा अमल कौन कर रहा है। क्या यह वाकई नहीं है कि हम कुरान पे इतना अमल भी नहीं कर रहे जितना कि ईसाई और यहूदी कर रहा है। इसके बाद अगर हमारा जीना हराम ना हो जाए,
हमारा जीना तंगी का जीना ना हो, तो फिर ये कुरान झूठ बोल रहा है। नऊज़ुबिल्लाह, फिर कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है वो गलत है। इसलिए फरमाया वमन आरज़ अन ज़िक्री, जो मेरी नसीहत से मेरे पैगाम से मुंह मोड़ेगा, फइन्ना लहू मईशतन वनका, उसका जीना, उसकी मईशत, उसका गुजरान इस दुनिया में तंगी का गुजरान होगा। वह आखरत में क्या करेंगे, वह नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, क़ियामत के दिन उसको हम अंधा करके उठाएंगे। قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, वो यूं कहेगा मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो दुनिया में आंखों वाला था, देखता था। قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها, बात यह है कि तेरे पास दुनिया में हमारी आयात पहुंच चुकी थी, हमारा कलाम, हमारा कुरान, इसकी आयात तुझ तक पहुंचा दी गई थी, हमने इंतजाम कर दिया था। फनसी था, तूने उसे ताके निसिया में सजाए रखा, तूने उससे रूगरदानी की, तूने कभी उसको समझ के पढ़ने की कोशिश नहीं की, कभी इस पूरे कुरान को समझने की, जानने की, मानने की और इसकी एक एक आयत पे ईमान लाने की कोशिश ही नहीं की। वो कजाली कल उनसा, जो हशर तूने मेरे कलाम का किया है वही हशर आज मैं तुम्हारा करूंगा। तूने मेरे कलाम को, मेरी आयात को भुलाए रखा, आज मैं तुझे भुला दूंगा। अजीजाने गरामी, ये है वो बदबख्ती जिससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए।